क्या के लिए तैयार? भारत हमारा देश है, हम सब भारतवासी भाई बहन है, हमें अपना देश प्राणों से भी प्यारा है, देश की समृद्धि एवं संस्कृति गर्व है, हम इसके अधिकारी बनने का बढ़ते रहेंगे, माता पिता शिक्षकों एवं जनों का सदाचार करेंगे, धन के साथ निष्ठा का आभार करेंगे, हम सभी जीवों पर क्या करेंगे, देश एवं देशवासियों के प्रति सदा वदा प्रतिज्ञा करते हैं, धन की सुख समृद्धि में हमारा सुख सभी को प्रस्तुत है अरावली सदन की ओर से आज का शुभ विचार। जिंदगी में अगर खुद पे भरोसा हो तो वह हमारी मजबूती बन जाती है, अगर भरोसा दूसरे पर हो तो वह हमारी कमजोरी बन जाती है। विचार एक बार बोला, जिंदगी में अगर खुद पे भरोसा हो तो वह हमारी मजबूती बन जाती है, अगर भरोसा दूसरे पर हो तो वह हमारी कमजोरी बन जाती है। धन्यवाद आपका दिन मंगल। राहुल ने बंगाल में वामदलों के साथ गठबंधन नहीं करने के दिए संकेत, संसद में शीतकालीन सत्र में कल केंद्र सरकार को घेरने वाले मुद्दों पर विपक्षी दलों में बनी सहमति, प्रकृति को बचाने के लिए नारा प्रदर्शन शुरू। अब समाचार खेल जगत से, रोहित की कौशल के बिना भारत को मिली हार, महिला हैंडबॉल टीम ने एशियन गेम्स के लिए क्या क्वालिफाई। धन्यवाद आपका दिन। प्रस्तुत है आदि सदन की ओर से आज का प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम। मेरा पहला प्रश्न आदि वही सदन के लिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? सही उत्तर है मौलाना अबुल कलाम आजाद। मेरा अगला प्रश्न आदि वही सदन के लिए, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का क्या नाम था? जी हाँ, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। मेरा अगला प्रश्न नीलगिरी वही सदन के लिए, भारतीय प्रथम महिला आदिवासी राज्यपाल कौन थी? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। जी आपका उत्तर बिल्कुल सही है। मेरा अगला प्रश्न नीलगिरी कर्ण सदन के लिए, भारत के प्रथम वायुसेना अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर है एयर मार्शल एस मुखर्जी। मेरा अगला प्रश्न शिवालिक बढ़िया सदन के लिए, राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? जी हाँ, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। मेरा अगला प्रश्न शिवाली पहले सदन के लिए, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर है गणेश वासुदेव मावलकर। मेरा अगला प्रश्न उदयगिरी वही सदन के लिए, किस पर्वत श्रृंखला को ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है? जी हाँ, आपका उत्तर बिल्कुल सही है, नीलगिरी पहाड़ी। मेरा अगला प्रश्न उदयगिरी पहले सदन के लिए, भारत का पेरिस किस शहर को कहते हैं? सही उत्तर है जयपुर। मेरा अगला प्रश्न आपके घर से लिए, भारत के किस शहर को सूर्य नगरी कहते हैं? सही उत्तर है जोधपुर। मेरा अगला प्रश्न नीलगिरी छात्राओं के लिए, भारत में सबसे अधिक तंबाकू उत्पादन किस राज्य में होता है? सही उत्तर है गुजरात। मेरा अगला प्रश्न शिवाली गर्ल्स के लिए, किस देश को सांपों का देश कहते हैं? जी हाँ, आपका उत्तर बिल्कुल सही है, ब्राजील। अगला प्रश्न उदयगिरी गर्ल्स के लिए, भारत का प्रवेश द्वार कहाँ स्थित है? जी हाँ, आपका उत्तर बिल्कुल सही है, मुंबई। मेरा अगला प्रश्न सभी छात्रों के लिए, किस देश को हजारों झीलों की भूमि कहते हैं? जी आपका तो बिल्कुल सही मिल है। धन्यवाद आपका दिन मंगल।